गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस विद कॉम्प्लिकेशन साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो अभी हम डायग्नोज की तरफ जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोज में क्या है कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 140 होता है। ठीक है, 120 टू 160 जो है ये नॉर्मल गिना जाता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हम डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ग्लूकोज लेवल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम ब्लड शुगर चेक करने के लिए रैंडम टेस्ट, मतलब 3 शॉर्ट टर्म टेस्ट हैं। रैंडम का मतलब है कि रूटीन वाइज आदमी ऐसे ही पेशेंट कहीं भी आता है आपके क्लिनिक पर, तो आप उसका टेस्ट करते हैं, वो एक रैंडम टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर नॉर्मली उसका इंक्रीज़ किया हुआ है 200 mg/dL से, तो हम कैसे प्लस 3 सिम्टम्स, ठीक है, जो सिम्टम्स एंड साइंस पीछे डिस्कस की थी उनमें से 3 सिम्टम्स भी हों। समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ किया होता है, बट सिम्टम्स नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम डायबिटीज़ मिलाइटिस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो रैंडमली हम करते हैं तो 200 प्लस होता है। ठीक है, या हम फास्टिंग में करते हैं, मतलब उसने कुछ नहीं खाया होता सुबह से शाम तक, तो देन हम उसका, या उसको भूख लगी होती है जब, तो उसका उस वक्त उसका टेस्ट करते हैं, तो हम उसको देखेंगे कि 126 mg/dL। ठीक है, तो ये उसका शुगर लेवल होगा। या हम रेपिटेटिव टेस्ट करते हैं हर आफ्टर 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये भी नॉर्मली 200 प्लस होगा। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट टर्म टेस्ट हैं, जो हम कभी भी अपने क्लिनिक पर इजी कर सकते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म टेस्ट है वो है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसमें नॉर्मली जो है वो हमारा 3 मंथ की प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट की, कि 3 मंथ तक उसकी ब्लड शुगर लेवल किस तरह इंक्रीज़ कर रहा था, किस तरह डिक्रीज़ कर रहा था, कौन से एरिया, मतलब कौन सा टाइम था जिस वक्त वो इंक्रीज़ करता है, कौन सा टाइम है जिस वक्त वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ग्लाइकोलेटिक हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो ग्लाइकोलेटिक हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली ये होगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि ये शुगर लेवल इसका इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, देन हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में क्या है कि फर्स्टली तो लाइफस्टाइल चेंज होगा। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज में क्या है कि एक्सरसाइज 30 मिनट पर डे और डाइट थेरापी, जो खाना वगैरह खा रहे हैं उसमें अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है या शुगर लेवल ज़्यादा है, तो हम उसको नॉर्मल ले आएंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल चेंज करने से सम टाइम पेशेंट ठीक हो जाता है, बट ये माइल्ड कंडीशन में है। अगर पेशेंट माइल्ड है तो आप ये करेंगे। ठीक है, देन है ड्रग थेरापी, ये है लाइफस्टाइल चेंजिंग एंड ड्रग थेरापी। ड्रग थेरापी में सबसे पहले हम देंगे बिटफॉर्मिन। ठीक है, बिटफॉर्मिन में क्या है कि ये बिटफॉर्मिन जो है ये ड्रग है, और ये मोस्टली हम देते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो जा रहे होते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्यों हो रहे होते हैं कि जब हमारी इंसुलिन जो है वो हमारे अटैच नहीं होती रिसेप्टर के साथ, हमारे ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर नहीं जाते, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जो है ग्लूकोज की रिक्वायर्ड होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो ऑलरेडी जो ग्लाइकोजिन होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं। ग्लाइकोजिन क्या होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिन। ठीक है, तो ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जो बिटफॉर्मिन है वो हमारे ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन को है कम कर देती है। ठीक है, क्योंकि हमारा मसला इंसुलिन का है या रिसेप्टर का है। ठीक है, लेकिन यो वो इस चीज़ ग्लूकोज जो हमारे ग्लाइकोजिन बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको तोड़ रहे होते हैं, तो बिटफॉर्मिन जो है वो इसको स्टॉप कर देती है। ठीक है, देन सेंसिटिविटी टू द सेल इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, ये जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर थे, ठीक है, इनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, और इंसुलिन आके इजीली बाइंड कर लेती है। ठीक है, तो बिटफॉर्मिन के ये 2 फंक्शंस हैं। ठीक है, देन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को लीवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, तो आप बिटफॉर्मिन कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, देन बिटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, माइल्ड डायरिया हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, पेशेंट को नॉर्मली डायरिया होगा बट वो बाय द टाइम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग में हम यूज़ करते हैं सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है कि हमारे पोटाशियम चैनल के साथ बाइंड कर देता है। ठीक है, और जो हमारा पोटाशियम है उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको बाहर ना जाने की वजह से हमारा जो सेल है वो ज़्यादा टाइम डिपोलराइजेशन में रहता है। ठीक है, जब हमने हार्ट के मसल्स को डिस्कस किया था, या हम फर्दर स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें अगेन मैं रिपीट कर दूंगा कि
किस तरह एक सेल डिपोलराइज होता है। तो अभी के लिए इतना ही कि जो हमारा पोटाशियम चैनल्स हैं उनके साथ हमारा सल्फोनाइलयूरिया जो है वो अटैच हो जाता है और सेल को डिपोलराइज ही रखता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। मतलब जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर इजीली इंटर हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा थर्ड लाइन ड्रग जो थेरापी है वो ये है कि सिंपली कुछ भी नहीं करना है कि जो हमारा सल्फोनाइलयूरिया हम नॉर्मली यूज़ कर रहे थे उसको इंक्रीज़ कर देना है, जिसकी वजह से हमारा जो सल्फोनाइलयूरिया की वजह से अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा था तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। देन है हमारा इंसुलिन, जो ऐसे ही जो भी शुगर का पेशेंट या डायबिटीज़ मिलाइटिस का पेशेंट आता है तो हम उसको डायरेक्ट इंसुलिन नहीं देते। फर्स्टली ये 3 एक्सरसाइज और ये 3 ड्रग्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, थर्ड लाइन तक, ठीक है। उसके बाद हम इंसुलिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसुलिन में क्या है कि शॉर्ट टाइम इंसुलिन है, ये ऐसा होता है कि 20-30 मिनट इसका असर रहता है, खाने से पहले बिल्कुल खा लेनी चाहिए और फिर खाना खा लें तो ये 20-30 मिनट तक असर रहेगी, जब तक आपका खाना पेट में जाएगा और फिर नॉर्मल, ठीक है। देन है रैपिड, रैपिड में 4 to 6 आवर इसका दौरानिया होता है, तो 4 to 6 आवर इसका असर रहता है, ठीक है। देन इंटरमीडिएट है, ये 12 आवर तक यूजेबल होती है, मतलब आपने अर्ली मॉर्निंग लगाई और फिर इन द इवनिंग लगा लें आप, ठीक है। देन है लॉन्ग एक्टिंग, ये है 24 आवर्स के लिए, तो हम आप मतलब 24 घंटे में एक दफ़ा ही इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मिलाइटस और डायग्नोज, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।